नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। जी हिंदुस्तान के नए पावर पैक शो खबर में बड़ी आग है मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर में बड़ी आग है, इस शो में हिंदुस्तान के शहर से लेकर गांव तक की हर खबर हम आपको दिखाते हैं, यानी कि ये है खबरों का पावर हाउस। और सबसे पहले शुरुआत आज की पांच बड़ी खबरों के साथ हम कर लेते हैं जिन पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। इसमें सबसे पहली बड़ी खबर आप जानिए, दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो चुकी है। एनआईए ने बाटला हाउस से आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी मोहसिन को एक दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर आप जानिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेप ज्ञान पर सियासी संग्राम मच चुका है। बीजेपी ने इसे गहलोत के बयान को कांग्रेस की मानसिकता करार दे दिया है। तीसरी बड़ी खबर, अखिलेश यादव के विधायक जियाउर रहमान बर्क के बयान पर विवाद लगातार मचा हुआ है। बीजेपी ने बर्क के बयान को तिरंगे का अपमान करार दिया। चौथी बड़ी खबर जानिए, दिल्ली में दारू पर दंगल लगातार जारी है। बीजेपी सांसदों और विधायकों ने आज केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सिसोदिया को हटाने की मांग पर लगातार अड़े रहे। पांचवी खबर आप जानिए, लखनऊ के बाद मेरठ में आतंक देखने को मिला है। पिटबुल ने युवक के साथ साथ अपने मालिक को भी निशाना बना लिया। जिन पांच बड़ी खबरों का हमने जिक्र किया, अब उन्हें तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर आपने देखी, बाटला टेरर हाउस। दूसरी, रेप ज्ञान पर कैसे गदर मचा हुआ है। तीसरी खबर, तिरंगे से नफरत है, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है इस बयानबाजी के बाद। चौथी खबर, शराब पर कैसे दंगल है, दारू पर दंगल है, शराब पर संग्राम है। और पांचवी खबर, पिटबुल का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आईसिस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन को एक दिन के एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। पटियाला कोर्ट ने मोहसिन को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। कल एनआईए ने बाटला हाउस से गिरफ्तार किया था, वो तस्वीर भी जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाई। मोहसिन से आपत्तिजनक ऐसे कई सारे दस्तावेज है जो बरामद हुए हैं, लैपटॉप और फोन भी बरामद कर लिया गया। बाटला हाउस से एनआईए ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन को पकड़ा है। एनआईए ने पहले बाटला हाउस में मोहसिन के घर जाकर के तलाशी की और मामला संदिग्ध समझते हुए उसे गिरफ्त में ले लिया। मोहसिन से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोहसिन क्रिप्टो करेंसी के जरिए टेरर फंडिंग किया करता था, सीरिया समेत कई देशों में पैसे भेजता था। मोहसिन स्कूल कॉलेज के मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश करने की साजिश रच रहा था। मोहसिन अहमद आईएसआईएस का कट्टरवादी और सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि मोहसिन आईएसआईएस की ऑनलाइन आर्मी से जुड़ा हुआ था। मोहसिन अहमद ऑनलाइन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया करता था। मोहसिन के बारे में जानकारी मिली है कि वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। हाल ही में वो बिहार से दिल्ली आया था और बाटला हाउस इलाके में रहने लगा था। 15 अगस्त से पहले मोहसिन की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। शक है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन मोहसिन बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। और महाराष्ट्र में एक बार फिर से लौट चुका है सिर तन से जुदा गैंग। अमरावती के बाद अब अहमदनगर में नुपुर शर्मा के समर्थन पर प्रवीर पवार पर जानलेवा हमला हुआ है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में खंजर गैंग की दहशत है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर प्रतीक पवार जानलेवा हमला हो गया। प्रतीक पवार ने नुपुर शर्मा की तस्वीर अपनी डीपी में रखी थी। प्रतीक अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, तभी 15 जिहादियों ने उन्हें घेर लिया और तलवार हॉकी स्टिक से हमला बोल दिया। हमलावर स्विफ्ट कार, पल्सर और स्कूटी से पहुंचे थे। मुस्लिम समाज के 14-15 युवक वहाँ पे आए, उसको बोली कि तू बहुत हिंदू का कीड़ा है, तेरे को तेरा मौज अभी निकलता है। उन्हें और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, बुलेट, टू व्हीलर गाड़ी में वो तलवार कोई दे दांड के लेके आए और उसको मार डालने का उद्देश्य उस पर हमला किया। प्रतीक पर हुए जिहादी हमले पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने हमले की एनआईए जांच की मांग करते हुए कहा है कि अगर कट्टरपंथी नहीं माने तो हिंदुओं के हाथ भी बंधे हुए नहीं हैं। सही वक्त पे अगर ये सब चीज रुकी नहीं तो सरकार के माध्यम से तो जवाब मिलेगा ही। उसके साथ जो हिंदू संगठनाएं हैं और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, फिर हमें भी उसी तरीके का जवाब देने की हमारी भी तैयारी है। फिलहाल प्रतीक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 35 टाकों और टूटी पसलियों के साथ प्रतीक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। देश में सिर तन से जुदा गैंग की वापसी हुई तो संभल में एसपी एमएलए जियाउर रहमान ने राष्ट्र ध्वज का ही अपमान कर दिया।
समाजवादी पार्टी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने तिरंगा पर विवादित बयान दिया है। जियाउर रहमान बर्क ने तिरंगा लगाने से मना कर दिया। बर्क ने कहा कि देश की वफादारी साबित करने के लिए तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं। जब देश की आजादी के लिए मेहनत मशक्कत हो रही थी, लोग जेलों में जा रहे थे, धरने प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे थे, तो उस वक्त मुसलमान किससे पीछे नहीं था, लेकिन आरएसएस का कोई आदमी उस देश की आजादी में नहीं था। इससे पहले बर्क के पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तिरंगा को लेकर विवादित बयान दिया था। अखिलेश ने कहा था कि तिरंगा अभियान की आड़ में बीजेपी देश में दंगा भड़काना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ एसपी विधायक ने राष्ट्र ध्वज पर विवादित बयानबाजी की, तो महाराष्ट्र में एसपी विधायक अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम भी सामने आ गया। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब का समर्थन किया है। अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में तारीफों के पुल बांध दिए। औरंगजेब नाम तो बहुत लोग हैं, औरंगजेब बादशाह खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। मुगलिया सल्तनत के सबसे विवादित बादशाहों में से एक औरंगजेब, जिसने अपने शासन काल में कई मंदिरों को तोड़ा और लूटा, वो औरंगजेब। अबू आजमी को उदार शासक नजर आता है। अबू आजमी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर इतिहास में गलत पढ़ाया गया है। बुनियादी के पास जाइए और उसे पूछे भी औरंगजेब के बारे में जरा आप बताइए, वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके पास हजारों ऐसी मिसालें हैं कि औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलने जाने की कवायद को भी अबू आजमी गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबू आजमी ही समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की मुरीद है, बल्कि आजम खान भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही कहा था कि वो औरंगजेबी शासन काल वापस चाहते हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप की बढ़ती घटनाओं पर बेतुका ज्ञान दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। अशोक गहलोत ने रेप जैसे संगीन जुर्म को लेकर असंवेदनशील और बेतुका बयान दिया है। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी अगर मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता बच्चियों की। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। राठौड़ ने कहा है कि गहलोत का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, महिलाओं के प्रति उनका जो अपमान वाली जो उनकी मानसिकता है उसे दिखलाता है। राजस्थान के अंदर लगातार कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। बीजेपी पूछ रही है कि जब कांग्रेस नेता रेप को जस्टिफाई करने में लगे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा चुप क्यों हैं? इधर नोएडा में महिला से गाली गलौज मामले में नेता श्रीकांत त्यागी अब भी फरार है। मामले में अब सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौज करने वाला स्थानीय नेता श्रीकांत त्यागी अब तक फरार है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईपीसी की तीन धाराओं 419, 420, 482 के तहत केस दर्ज हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद से पुलिस की चार टीमें श्रीकांत को खोज रही है। पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी समेत चार लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। श्रीकांत की चार गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही मामले पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि श्रीकांत बीजेपी नेता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने कहा है कि श्रीकांत बीजेपी का सक्रिय सदस्य नहीं रहा। इसकी गिरफ्तारी सख्त होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह हमारी पार्टी का कभी भी सक्रिय सदस्य या प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है। तो एक तरफ नोएडा में श्रीकांत त्यागी के फरारी पर पुलिस दबिश दे रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कानपुर में कोर्ट की सजा के बाद भागने के आरोप में कैबिनेट मंत्री ने खुद सफाई दी।
कानपुर कोर्ट से सजा के आदेश की फाइल लेकर भागने के आरोप पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सच्चान ने जी हिंदुस्तान पर अपनी सफाई दी है। राकेश ने खुद के भागने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि कोर्ट से मेरे भागने की खबर मीडिया में गलत तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में मौजूद हूं, जज साहब जो तारीख देंगे उस तारीख को मैं हाजिर हूंगा। कोर्ट में भी वही उन्होंने कहा कि आज जिरह होगी, जिरह के बाद इसमें आगे कोई जजमेंट की तारीख लगेगी, तो जिरह की जो तारीख जज साहब लगाएंगे उसमें वकील जिरह करेंगे और जिरह करने के बाद जो न्यायालय न्याय देगा वो स्वीकार हो। राकेश सचान पर 31 साल पुराने इस केस में क्या आरोप हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राकेश सचान पर अवैध हथियार रखने का केस है। 1991 में राकेश पर दर्ज हुआ था ये केस। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कानपुर के नवस्था थाने में दर्ज हुआ था मामला। केस के वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे राकेश। बहरहाल कानपुर की एक अदालत ने मंत्री सचान को एक मामले में दोषी ठहराया था। आरोप है कि अदालत सजा सुनाती उससे पहले ही मंत्री महोदय अपने वकील की मदद से दोष सिद्धि आदेश की मूल प्रति लेकर ही भागने में सफल हो गए। कोर्ट में 31 साल पुराने अवैध शस्त्र मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस पूरे मामले पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा जांच के बाद तहरीर पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग पर अड़ चुकी है। दिल्ली में शराब को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी सांसदों और विधायकों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सांसद और विधायक सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। एक्साइज पॉलिसी को लेके, ये शराब वाली पॉलिसी, मेरा तो ख्याल है कि जो स्टेट का हेड है वो संगीत की, रूहानियत की, मारिफत की और स्पोर्ट्स की और बच्चों को मोड़े, वो शराब ऐसी है वो उतरती नहीं है। बीजेपी के सांसद और विधायक मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खुलवा रहे हो, हम इनको नहीं खुलने देंगे। यदि हम बंद नहीं करवा पाए तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। कल मनीष सिसोदिया ने शराब मामले पर उप राज्यपाल पर ही सवाल उठा दिए थे। जब पॉलिसी में लिख के गया कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलेंगी उस वक्त भी उसको अप्रूव किया, लेकिन बाद में जब फाइलों के पे अप्रूवल गया दुकानें खोलने के लिए उस वक्त LG ऑफिस अचानक अपना स्टैंड चेंज करता है और कहता है कि इसके लिए DD और MCD की मंजूरी ले लो। और गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने पर एक बार फिर से बिजली बिल माफ करने की बात कह दी। केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात में केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार बनी तो बकाया बिजली बिल माफ कर देंगे। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो गुजरात के लोगों के भी जीरो बिजली के बिल आया करेंगे, उसके लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मैं राजनीति नहीं काम करता हूं। दिल्ली में हमने काम करके दिखाया है। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को काम करना आता है, मेरे को देश के लिए काम करना आता है। मैं भी आम आदमी हूं। आज से 10 साल पहले इस देश में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। इसके अलावा केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकार बनते ही गुजरात में 10 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे। और महंगाई के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार में कई जगहों पर मोर्चा खोल दिया है। राबड़ी देवी ने युवा क्रांति रथ को हरी झंडी दिखाई। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार में मोर्चा खोल दिया। महागठबंधन ने बिहार में कई जगहों पर प्रतिशोध मार्च निकाला। तेजस्वी यादव की अगुवाई में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। राबड़ी देवी ने युवा क्रांति रथ को हरी झंडी दिखाई। क्रांति रथ में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सवार थे। तेज प्रताप यादव ने क्रांति रथ वाली बस चलाई। 12 किलोमीटर तक प्रतिरोध मार्च भी निकाला गया। RJD, कांग्रेस, CPI, CPM और माले के नेता भी मौजूद रहे। सगुना मोड़ से लेकर के आज हम लोग डाक बंगला में निकले, पूरा जन समर्थन जो है लोगों का मिल रहा है। कई किलोमीटर जो है लोगों का हुजूम है, इसलिए सरकार से परेशान है लोग। पटना की तरह बेगूसराय में भी महागठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया। महागठबंधन के नेता बेगूसराय के कॉलेजिएट स्कूल में जमा हुए और वहां से DM ऑफिस तक विरोध मार्च निकाला।
और चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, पटना में तेजस्वी के मार्च में बच्चे भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस की छत पर नारेबाजी करते हुए बच्चे देखे गए हैं। प्रतिरोध रैली में बच्चों से नारेबाजी कराई गई। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी ने मार्च निकाला है। इन सबके बीच में सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं मार्च में कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। बस के छत पर चढ़कर ये बच्चे नारेबाजी करते हुए देखे गए हैं। बताया जा रहा था कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी ने यह मार्च निकाला है, लेकिन ऐसे मार्च में इतनी बड़ी लापरवाही अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है। कभी नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि कुछ लोगों के चक्कर में नीतीश दिशा से भटक गए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में भी भेज दी। जेडीयू छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि 7 जन्मों में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, जन्म तो छोड़। वहीं कांग्रेस ने इशारे इशारे में बीजेपी पर निशाना साधा। एक बात तो उभर कर सामने आती है कि अगर आरसीपी सिंह बोले हैं तो बुलवाने वाला कौन, उसके पीछे ताकत कौन सी है, ये एक बड़ा भारी सवाल है। आरसीपी सिंह के हमले के बाद जेडीयू में उथल पुथल मच गई है। वहीं नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को जेडीयू के सभी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, इसी से जुड़ी हुई, आरसीपी सिंह पर अब जेडीयू अध्यक्ष ने भी पलटवार कर दिया है। नीतीश डूबता हुआ नहीं दौड़ता हुआ जहाज है, ये ललन सिंह की ओर से कहा गया है। जहाज में पानी आता है तो पहले कौन भागता है, ललन सिंह ने ये भी कहा। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया सुनिए। इस पार्टी के मालिक एक है और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया, केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है केयर टेकर मालिक हो जाता है। और इधर देखिए, मधेपुरा में पत्नी और बेटे की हत्या के बाद सन के आरोपी ने लोकल ग्रुप में कई सारे ऑडियोज भेजे। एक ऑडियो में उसने लिखा कि मेरा कुछ काम बाकी है। मधेपुरा में एक पति ने अपने पत्नी और बेटी का सिर काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी का कटा सिर लेकर आरोपी अपने ससुराल पहुंच गया और घर से 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिया पर रख कर फरार हो गया। कटे सिर के नीचे एक पर्ची भी रख दी। हत्या के बाद आरोपी ने पत्नी के धड़ के साथ सेल्फी भी ली और उसके बाद उसे इस फोटो को फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया जिसमें वो सर और धड़ के साथ दिख रहा है। इसके बाद उसने पत्नी का सिर थैले में भरा और ससुराल लेकर पहुंचा। पत्नी और बेटी का सिर कलम करने वाला मोहम्मद जिब्राइल ने एक लेटर भी लिखा जिसमें राम राम खुदा हाफिज दुआओं में याद रखना लिखा था। इसके बाद आरोपी ने एक के बाद एक कई ऑडियो डाले, इसमें डायलॉग बोलते हुए हत्या की वजह बताई। इस ऑडियो में वो बता रहा है कि पुल के ऊपर पत्नी का सिर रखा है, पत्नी के बाबुल को इसकी खबर दे दी जाए। और साथ ही उसने ये भी कहा कि मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम पूरा हो जाने के बाद मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर पात्राचौल घोटाले में संजय राउत के बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत से करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद ईडी की टीम ने वर्षा राउत को छोड़ दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का ईडी के सवालों से सामना हुआ। पात्राचौल जमीन घोटाले को लेकर के वर्षा राउत कल पहली बार ईडी के सामने पेश हुई। घोटाले और लेन देन में गड़बड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने वर्षा राउत का बयान दर्ज किया। वर्षा राउत से ईडी ने 9 घंटे की लंबी पूछताछ की। अब तक की जांच में मिले सबूत और संजय राउत से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर वर्षा राउत से पूछताछ हुई। एजेंसी ने दादर फ्लैट और अलीबाग के प्लॉट के डील के बारे में ईडी ने वर्षा राउत से सवाल किए। ईडी को शक है कि पात्राचौल घोटाले के पैसे से अलीबाग में फ्लैट खरीदा गया। ईडी वर्षा राउत से 1 करोड़ से अधिक पैसों का हिसाब चाहती है जो उनके अकाउंट में आए हैं।
इसके साथ ही एजेंसी जानना चाहती है कि आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से उनके खाते में 55 लाख क्यों ट्रांसफर किए गए। 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत पहले से 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड में है और अब इस मामले में ईडी के रडार पर उनका परिवार भी है और इसलिए उनकी पत्नी वर्षा राउत से जवाब तलब किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको कुछ बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भरा, शहर के कई मोहल्ले टापू में तब्दील हुए, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घुसा बाढ़ का पानी, दौलतपुर गांव पानी घुसने से यहां पर लोगों में हड़कंप मचा, पिछले 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश। कानपुर में बारिश के बाद सदमे में परिवार, बारिश के कारण अपार्टमेंट का पिलर धंसने से हड़कंप मचा, 12 परिवारों से खाली कराया गया अपार्टमेंट। उत्तरकाशी में पहाड़ से दर की चट्टान, बड़े बड़े बोल्डर आने से दुकानें क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे स्थानीय लोग। भद्रा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट, मंदिर सेवादारों के बीच मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में खाकी का खौफ, पुलिस की पिटाई से LLB के छात्र के कान का पर्दा फटा, पीड़ित ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कानपुर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, युवती संग लड़कों ने की युवक की जमकर पिटाई। कानपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते हुए नजर आए पुलिसकर्मी। यूपी के बुलंदशहर में चकबंदी कानून का खेल खत्म, किसान से 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया चकबंदी कानून को। यूपी के बागपत में छत पर खड़े युवक ने तमंचा लहराया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और चलिए आगे बढ़े, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अगस्त से पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार संभव है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय, ये सूत्र बता रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। यानी कि इसी हफ्ते माना यह जा रहा है कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों का रुख करते हुए आपको खबर दिल्ली से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में रईस जादू का कहर देखने को मिला है और ऐसे में लाल किले के पास हाई स्पीड से जा रही BMW कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। दिल्ली में ड्रिंक एंड ड्राइव का भयानक परिणाम देखने को मिला, उसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। देखिए किस तरह से गाड़ियों में टक्कर हुई है। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां लाल किले के पास रिंग रोड पर रात 11 बजे BMW कार ने जमकर कोहराम मचाया। तेज रफ्तार कार ने रिंग रोड पर 2 कार और 1 स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक की हालत सीरियस बताई जा रही है। हादसे के वक्त BMW कार से शराब की बोतल और खाली गिलास भी मिले हैं। कार में 2 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। हादसे को देखकर साफ है कि कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था, जिसकी वजह से कार बेकाबू हुई और इस हादसे को अंजाम दिया गया। तेज रफ्तार और नशे के चलते होने वाले हादसों को रोकने के लिए आए दिन दिल्ली पुलिस जनहित के संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए विशेष तरीके अपनाती रहती है। बावजूद इसके लोग फिर भी शराब पीकर गाड़ी चलाने से बाज नहीं आते हैं, जिसके चलते सैकड़ों लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वही लाल किले पर रईस जादू के कहर में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई, तो वही राजधानी दिल्ली में जनधन पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग, बड़ा हादसा चल गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जन्मदिन पार्टी के जश्न में फायरिंग हो गई। सीलमपुर की झुग्गी बस्ती में बच्चे का जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा था, इसी दौरान आमिर उर्फ हमजा नाम के शख्स ने जश्न के नाम पर गोली चला दी। पहले तो गोली जमीन पर लगी और उसके बाद पास में खेल रहे 3 बच्चों को टच होती हुई निकल गई। आनंद फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तीनों बच्चों की उम्र 7 से 8 साल के बीच बताई जा रही है।
वहीं गोली चलाने वाला आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीलमपुर में हुए इस हादसे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि गोली जिस हथियार से चलाई गई थी, क्या वो लाइसेंसी थी या अवैध, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। बता दें कि हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं नोएडा और रायबरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है और दोनों जिलों के पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। दरअसल बदमाश मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्ग से चेन लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुठभेड़ में घायल बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बदमाश की पहचान शातिर लुटेरे बब्बू के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। बब्बू नमस्ते गैंग का बदमाश बताया जा रहा है। इसका गिरोह है मॉर्निंग वॉक करने वालों को निशाना बनाना। वहीं रायबरेली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इस दौरान दो शातिर बदमाश समेत लूट कमाल खरीदने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूट के 11 मोबाइल, 3 पर्स, एटीएम कार्ड, चोरी की बाइक समेत अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया है। तो वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुर में बदमाशों का कहर देखने को मिला। दरअसल बदमाश मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं के गहने लूट करके फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में बाइक सवार बदमाशों का आतंक जारी है। दिन निकलते ही बाइक सवार दो बदमाश ने मॉर्निंग वॉक पर आई दो महिलाओं से कुंडल लूट कर फरार हो गए। पूरा मामला कनावनी पोस्ता रोड का बताया जा रहा है। दरअसल मॉर्निंग वॉक पर आई महिलाएं वहां मौजूद एक बैंक्वेट हॉल के गेट पर बैठी थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला की आंख बंद कर घटना को अंजाम दिया। लूटपाट की इस घटना में महिला की कान भी फट गए। महिला को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक है, तो वहीं मेरठ में खूंखार पिटबुल ने बच्चे पर हमला कर दिया। और किस कदर यह हमला किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मेरठ में पिटबुल डॉग का आतंक देखने को मिला। मेरठ के मवाना इलाके में पिटबुल ने सालिम नाम के युवक पर अचानक हमला कर दिया और उसका जबड़ा पकड़ ली। पड़ोसियों के शोर मचाने पर किसी तरह मासूम युवक को छुड़ाया गया। इस दौरान पिटबुल की कैद से मासूम को छुड़ाने आए मालिक को भी पिटबुल ने बुरी तरीके से घायल कर दिया। घायल मासूम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक संजय निवासी है, जिनके घर में एक पिटबुल कुत्ता बताया जा रहा है, उसके द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और उसके हाथ पे और गर्दन पे उसकी चोट है। और उसको छुड़ाने पे संजय के भाई सौरभ को भी जो है बगल में कुत्ते द्वारा काटा गया है, जिनका धर्मपाल हॉस्पिटल में जो है इसमें इलाज चल रहा है, एडमिट है वहाँ पे। इसमें पूरे प्रकरण में जांच कराकर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वही पिटबुल के आतंक पर मालिक का कहना है कि सालिम अक्सर उनके कुत्ते को छेड़ता है। ऐसे में सालिम ने जब कुत्ते को छेड़ा तो गुस्साए पिटबुल ने युवक पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शामली में पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने। दरअसल मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और 3 कर्मियों के साथ में लाठी और डंडों से मारपीट की गई है। बाइक सवार 8 युवकों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर के युवक मौके से फरार भी हो गए। उसका ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे। देखिए किस कदर यहां पर 3 बाइक पर सवार होकर के कुछ लोग पहुंचते और उसके बाद से अचानक से लाठी और डंडों से पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला करना शुरू कर देते, उनके साथ मारपीट की जाती है और बेरहमी से मारपीट करने का ये वीडियो किस तरीके से देखे सामने आया। इसमें साफ तौर पर कुछ बदमाशों को पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ में बदसलूकी करते हुए मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे पुलिस की तरफ से और उसी बिना पर अब जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। तो वहीं बरेली में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचने का भंडाफोड़ हुआ है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए।
यूपी के बरेली में नकली सामान बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। बरेली पुलिस को कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि चंद पैसों की खातिर नामी कंपनियों के नाम पर नकली सामान ग्राहकों को बेचा जा रहा है, जिसके बाद बरेली के बड़ा बाजार कुतुब खाना बाजार की रेकी कर नकली कारोबार करने वालों की जानकारी जुटाई गई। सटीक सूचना के बाद पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किया। इनकी टीम जो है संयुक्त रूप से मौके पे गई, बड़ा बाजार में स्थित कुछ दुकानें थी वहाँ पे सर्च किया गया, तो वहाँ पे इनकी कंपनी के और अन्य मल्टीनेशनल कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो डुप्लीकेट पाया गया और उसको भारी मात्रा में वहाँ से बरामद किया गया है और इसमें जो चार लोग हैं उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने नकली प्रोजेक्ट बेचने के मामले में मोहम्मद जैद शमसी, सगीर अहमद, अजहर खान और साकेब शमसी के खिलाफ जालसाजी और कॉपीराइट अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं श्रीलंका के बाद से अब बांग्लादेश में भी महंगाई की मार से जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर है और इस पर ये खास रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश महंगाई की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में महंगाई बम फूटने के बाद जनता का आक्रोश आसमान पर है। विदेशी खर्च के जाल में फंसी बांग्लादेश सरकार ने एक ही झटके में पेट्रोल रेट में 50% की बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद आवाम भड़क गई। विरोध प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। महंगाई के खिलाफ बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर गए। पोस्टर और बैनर के साथ लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी का सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर होगा और उनकी रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित होगी। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि सरकार ने इससे निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है। फिलहाल तेल की कीमतों को बढ़ाने से बांग्लादेश सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा, लेकिन देश में महंगाई बढ़नी तय है। और अगली खबर आपको चीन से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल चीन में एक 9 साल पुराना पुल आग के चपेट में आ गया है। दरअसल चीन का ये पुल लकड़ी से बना हुआ था और विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल भी था। पुल चीन के फुजियान प्रांत में बना हुआ था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि ये पुल किस तरीके से आग के लपटों में घिर गया। दरअसल ये चीन के इतिहास में इस पुल का नाम भी दर्ज था, लेकिन चीन में जो एक 900 साल पुराना पुल बताया जा रहा था वो आग की चपेट में आ गया और अचानक से इस पुल में जिस तरीके से आग लगी, इस आग ने इस पूरे पुल को अपने लपटों का शिकार बना लिया और उसके बाद से देखिए किस कदर ये पुल पूरी तरीके से जलकर राख होता हुआ भी नजर आया। और इस बीच एक आपको बड़ी खबर बता देते हैं कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर के। दरअसल कॉमनवेल्थ खेल में भारत का एक और गोल्ड पक्का हो गया है, क्योंकि CWG ट्रिपल जंप में भारत का धमाका देखने को मिला। एल्डोस पॉल ने ट्रिपल जंप के दौरान जीता है गोल्ड मेडल और ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबुबकर को भी सिल्वर मेडल मिला है। और अब आपको 2 मिनट में टॉप 20 खबरें दिखाते हैं। तो नोएडा में गालीबाज नेता की बदतमीजी का नया वीडियो आया सामने, श्रीकांत त्याग की अब पुलिस गिरफ्त से बाहर। गालीबाज नेता श्रीकांत त्याग की गिरफ्तारी को लेकर के ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आरोपी के पति से पुलिस ने पूछताछ भी की। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। सोसाइटी में चलाता था श्रीकांत त्यागी का चलता था सिक्का, नहीं देता था मेंटेनेंस और बिजली का बिल। महाराष्ट्र में 15 अगस्त तक हो सकता है कैबिनेट विस्तार, देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है गृह मंत्रालय। आरसीपी सिंह के सवाल पर जेडीयू का बीजेपी पर बड़ा हमला, ललन सिंह बोले नीतीश को रोकने के लिए बिहार में साजिश हो रहा है। आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए ललन सिंह ने कहा है कि आरसीपी कभी संघर्ष के साथ नहीं रहे और साजिश के चलते नीतीश को सीट कम ही हुई है। आरसीपी सिंह को लेकर के नीतीश की पार्टी में हलचल तेज। नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई, मंगलवार को बुलाई गई जेडीयू सांसदों की मीटिंग। पटना में प्रतिरोध मार्च में बड़ी लापरवाही, बस की छत पर नारेबाजी करते दिखे बच्चे, प्रतिरोध रैली में बच्चों से कराई गई नारेबाजी। बिहार में आरजेडी का प्रतिरोध मार्च, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, बिहार के शहरों में जगह जगह प्रदर्शन।
राबड़ी देवी ने बेरोजगारी बस यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा देश की जनता महंगाई की मार से परेशान। प्रतिरोध मार्च में तेजस्वी यादव का केंद्र पर निशाना, कहा पूरे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता बीजेपी संवैधानिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार आतंकी मोहसिन को एक दिन के एनआईए रिमांड, आईएसआईएस के संदिग्ध सहयोगी पर फंड कलेक्शन करने का आरोप। दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी पर बड़ा खुलासा, क्रिप्टो करेंसी से किया करता था आतंकियों के लिए फंडिंग, सीरिया समेत कई देशों में भेजता था पैसा। आतंकी मोहसिन पर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप, जिहाद के लिए मुस्लिम बच्चे निशाने पर थे। आईएसआईएस मॉड्यूल में एक और आरोपी की तलाश में जुटी एनआईए की टीम, मोहसिन के साथी की भी तलाश जारी। अहमदनगर में प्रतीक पवार पर हमला करने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पांचों आरोपियों ने प्रतीक पवार पर किया था हमला। गहलोत के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा रेप मामले में राजस्थान नंबर वन है, महिलाओं के खिलाफ बेतुका बयान दिया जा रहा है। गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा राजस्थान के मामले में प्रियंका चुप्पी साध लेती है, बिगड़ते कानून व्यवस्था पर भी प्रियंका खामोश है। विशाखापट्टनम में तिरंगा रैली का आयोजन, रैली में 300 फीट तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में की छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ, सीएम योगी भूपेश बघेल समेत कई राज्यों के सीएम शामिल। नीति आयोग की बैठक में शिक्षा नीति समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, बैठक में सीएम शिवराज और ममता बनर्जी भी हुई शामिल। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं का धरना। बीजेपी के सांसद भी धरने में हुए शामिल, मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा, कहा गुजरात में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह के आकाशा या एयर की पहली उड़ान का किया उद्घाटन, मुंबई से अहमदाबाद के लिए भरी उड़ान। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत का किया गया मेडिकल, जेजे हॉस्पिटल में करवाया गया मेडिकल चेकअप, 8 अगस्त तक रिमांड में है राउत। बांग्लादेश में बिगड़े हालात, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे के बाद से सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। बांग्लादेश के सड़कों पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद, बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की दामों में 50% तक का हुआ इजाफा। बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम 79 टका से बढ़ा करके 135 टका किए गए, जबकि डीजल 85 टका से बढ़ा करके 145 टका हुआ। और फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा जी हिंदुस्तान के साथ। और आगे देखिए देश को जवाब